देखो, जब भी कोई बंदा एग्रीकल्चर के अंदर एंटर करता है, मतलब कि अगर कोई फार्मर है और वो फार्मर किस में एंटर करता है, एग्रीकल्चर में, मतलब कि वो क्या स्टार्ट कर देता है, एग्रीकल्चर। अगर वो अपने जीवन में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देता है तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। वो बेसिकली क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा वो आउटपुट प्रोड्यूस करके, दो काम करेगा। कुछ तो ऐसा है जो अपने खुद के लिए बचाएगा, है ना, जैसे कि वो गेहूं का उत्पादन करता है। तो बताओ, अगर घर में उसे रोटी खानी है तो घर की रोटी के लिए क्या बाहर से खरीदेगा? नहीं, घर में रोटी खानी है तो रोटी खाने के लिए वो अपने लिए गेहूं बचा लेगा, बचा लेगा ना अपने लिए गेहूं, और फिर बाकी का क्या करेगा, बाकी का मार्केट में बेचेगा, बाकी का मार्केट में बेचेगा। लेकिन मार्केट में तो तभी बेचेगा ना जब उसके पास बचेगा, और बचेगा तभी जब उसके पास काफी सारा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या उस समय इतना सारा प्रोडक्शन होता था? क्या इतना आसानी से एग्रीकल्चर फार्मर कर पा रहा था? नहीं, वो जैसे तैसे करके सिर्फ अपना गुजर बसर कर पा रहा था। क्या शब्द मैंने बोला? मैंने बोला कि वो सिर्फ अपना क्या कर पा रहा था, गुजर बसर कर पा रहा था। मतलब जैसे तैसे करके अपने जीवन को चला रहा था। बाहर बेचना तो दूर की बात है, बाहर अपना गेहूं अपना उत्पादन बेचना तो दूर की बात है, जैसे तैसे करके वो अपने खुद के लिए कमा रहा था, अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर पा रहा था। इसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस। इस चीज को क्या बोला जाता है, सब्सिस्टेंस मींस। सब्सिस्टेंस मींस मतलब एग्रीकल्चर से वो सिर्फ अपना क्या कर रहा था, सब्सिस्टेंस कर रहा था। सब्सिस्टेंस का हिंदी में मतलब होता है गुजर बसर करना। कहते नहीं है यार, इतना नहीं कमा पाता, इतना कमा लेता हूं कि गुजारा हो जाता है। अब कोई बोले क्या आप कार खरीद लोगे? नहीं यार, कार तो नहीं खरीद पाएंगे, जैसे तैसे करके बस जीवन चल रहा है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब दो वक्त की रोटी मिल जाना काफी है। तो दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस। तो क्या एग्रीकल्चर से वो मार्केट में अपना सामान बेच पा रहे थे? नहीं, वो एग्रीकल्चर से अपना मार्केट में सामान नहीं बेच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा आउटपुट बनता ही नहीं था भाई। आउटपुट बनेगा तो बेचेंगे ना, इतना बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों ने सारी की सारी मिट्टी पलीत कर रखी थी एग्रीकल्चर की। तो अब चौथा कारण लिखो, तीन कारण मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, चौथा लिखो सब्सिस्टेंस मींस। मींस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मींस का मतलब होता है साधन। तो बताओ एग्रीकल्चर हमारा सिर्फ कैसा साधन था, गुजर बसर का साधन था। एग्रीकल्चर से हमारा सिर्फ क्या हो रहा था, गुजारा हो रहा था। एग्रीकल्चर से बस क्या हो रहा था, हमारा पेट भर रहा था बस। क्या हम उसको मार्केट में बेच पा रहे थे? नहीं, हम उसको मार्केट में बेच ही नहीं पाते थे। क्यों नहीं बेच पाते थे? अभी ये जवाब मिल जाएगा क्यों नहीं बेच पाते थे। तुम्हें एक बात मैं बता देता हूं कि एग्रीकल्चर से जितना भी आउटपुट बनता था ना, अंग्रेज लोग क्या करते थे, सुनो, देखो कितना ज्यादा जुर्म करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे, जितना भी आउटपुट बनता था 90% 95% वो ले लिया करते थे हमसे, अंग्रेज लोग। अंग्रेज कहते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में किस पर कब्जा, हमारे देश में किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का। तो जो जमीन थी वो भी किसकी मानी जाएंगी, अंग्रेजों की। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि तुमको अगर हमारी जमीन पर एग्रीकल्चर करना है, देखो जमीन हमारी थी, जबकि हमारे किसानों की थी, हमारे देश की थी, लेकिन फिर भी क्या बोलते थे, तुमको अगर हमारी जमीनों पर एग्रीकल्चर करना है तो बदले में सारा आउटपुट हमको देना पड़ेगा, और बदले में हम तुमको सिर्फ कितना दे देंगे, 5% दे देंगे मुश्किल से, और वो भी किस लिए देंगे, ताकि तुम अपना पेट भर सको बस। हमारे देश के किसान बेचारे इतने डरे हुए, इतने शरीफ, इतने भोले भाले कि जैसे तैसे करके इतनी मेहनत करके हल जोतते थे वो, बीज बोते थे वो, मेहनत करते थे वो, और फायदा कौन उठाते थे, फायदा उठाते थे अंग्रेज। तो अंग्रेज सारा का सारा उत्पादन ले लिया करते थे, और फार्मर को क्या मिलता था बदले में, फार्मर को मिलता था बस अपने गुजारे लायक, अपने गुजारे लायक बस। इस तरह की फार्मिंग कहलाती थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा साधन था जो हमारे गुजर बसर का साधन था बस। एग्रीकल्चर से हमारा गुजर बसर हो रहा था बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। लिखो अब इसके आगे, चलो सब्सिस्टेंस मींस की जगह अगर तुम्हें ये लिखना है ना, ये शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा, फार्मिंग, है ना, ये वाला शब्द लिखो, उसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे काट दो, ये शब्द लिखो, ये ज्यादा अच्छा है।
तो उस समय फार्मिंग होती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मिंग नहीं होती थी, एग्रीकल्चर होता था, लेकिन कैसी फार्मिंग होती थी? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ अपने गुजारे लायक, सिर्फ अपने गुजारे लायक। ठीक है, तो लिखो, व्हेन फार्मिंग इन विच क्रॉप्स, व्हेन फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स, टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब उनसे ना अपनी खुद की जरूरत पूरी हो रही थी बस। क्या वो आउटपुट को मार्केट में बेच पाते थे? नहीं। क्या उनके पास इतना आउटपुट होता था कि वो मार्केट में बेच सके? नहीं। टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स, ठीक है, ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली। भाई अपनी बीवी को खाना खिला देना, अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला देना और खुद भरपेट खाना खा लेना, बस उनका इतना ही चल रहा था बस। मार्केट में वो कुछ नहीं बेच पाते थे और बाजार से कुछ भी पैसे नहीं आते थे। ठीक है, और क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? अंग्रेजों ने बस ऐसे छोड़ रखा था हमें। व्हेन फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी चीज को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, मतलब जब कोई बंदा एग्रीकल्चर करता है, और एग्रीकल्चर से ध्यान से सुनो, जब कोई बंदा एग्रीकल्चर करता है और एग्रीकल्चर से सिर्फ उसकी खुद की नीड्स पूरी होती हैं, उसकी खुद की जरूरतें पूरी होती हैं, उसकी फैमिली का पेट भर जाता है सिर्फ, ठीक है, तो इसी तरह की फार्मिंग कहलाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, क्या वो इस आउटपुट को मार्केट में बेच सकता है? नहीं। जैसे तैसे करके तो वो पेट भर के खा रहा है, तो वो बाहर कैसे बेच देगा? इतना उत्पादन उसके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा उत्पादन किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। व्हेन फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स। लाइन को पढ़कर देखोगे आराम से समझ में आएगा, मतलब उनकी जो जरूरतें थी बस वही पूरी होती हैं। ठीक है, तो देखो जब कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तभी तो बेचेगा ना मार्केट में, जब कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तभी तो बेचेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली बात मैं कह रहा हूं ना, मतलब कि अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा आउटपुट होगा तो ही तो बेचेगा। एक्स्ट्रा को बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में सरप्लस। मतलब उसके पास कुछ सरप्लस नहीं होता था। क्या उसके पास सरप्लस आउटपुट होता था? हमारे किसानों के पास, हमारे किसानों के पास कोई सरप्लस आउटपुट नहीं होता था। अगर उनके पास सरप्लस आउटपुट होता, अगर उनके पास एक्स्ट्रा आउटपुट होता तो वो मार्केट में बेचते, लेकिन उनके पास था ही नहीं। ठीक है, तो देखो सरप्लस वाला जो शब्द है ना, वो कॉमर्स वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, सरप्लस। खैर कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर तरह के बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ, जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है तभी तो दूसरों को देते हैं, पहले किसकी जरूरत पूरी करेंगे? खुद की। अगर हमने घर में सब्जी बनाई और सब्जी से भरपेट सबने खा लिया, सपोज घर में कोई सब्जी बनाई और सब्जी से सारा भरपेट हमने खा लिया, घर में मम्मी ने, पापा ने, भाई बहन ने, चाचा ताऊ ने, सबने भरपेट खाना खा लिया, अब भी सब्जी बच गई, अब सब्जी का क्या करोगे? अब तुम सब्जी पड़ोसी को दोगे बचने के बाद। मतलब जो सब्जी सरप्लस से है तुम्हारे पास, जो सब्जी तुम्हारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो तुम दोगे, और अगर नहीं बची तो नहीं दोगे। तो उस समय हमारे पास था ही नहीं सरप्लस, तो क्यों देंगे? ठीक है, तो इसी में लिखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद फुल स्टॉप लगा दो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप के बाद लिखो देयर इज नो सरप्लस आउटपुट, देयर इज
नो सरप्लस आउटपुट फॉर सेल इन द मार्केट, देयर इज नो सरप्लस आउटपुट, मतलब कोई सरप्लस आउटपुट था ही नहीं। देयर इज नो सरप्लस आउटपुट फॉर सेल इन द मार्केट, फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में बेचने के लिए उनके पास कुछ सरप्लस आउटपुट था ही नहीं, तो वो बेचते कहां से? तो देखो तुम्हें याद होगा शायद, मैंने ये बता दिया था कि बैकवर्ड के चार लिखवाऊंगा, कितने कारण लिखवाऊंगा, हमारे एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के चार कारण। और देखो मैंने ए बी सी डी चार लिखवा दिए अब तक, अब जो आगे के पॉइंट आएंगे ना वो आगे के पॉइंट स्टैग्नेंट के होंगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि आंसर कैसे देना है। आंसर में क्या तुम मिक्स कर सकते हो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बैकवर्ड के पॉइंट तुम स्टैग्नेंट में और स्टैग्नेंट के पॉइंट तुम बैकवर्ड में मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी बेस्ट ये रहेगा कि तुम बैकवर्ड के पॉइंट बैकवर्ड के क्वेश्चन में लिखो और स्टैग्नेंट के पॉइंट स्टैग्नेंट में, ठीक है। तो मुझे बताओ आगे के जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूं तीन पॉइंट, वो तीन पॉइंट किसके होंगे? वो पॉइंट होंगे स्टैग्नेंट के, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो देखो अब मैंने तुम्हें ए बी सी डी लिखवाया ना, चार लिखवाया डी, तो देखो पॉइंट बदलना नहीं, पॉइंट तो वही चलेगा। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है ई, ठीक है। अगला कारण लिखो ई, ठीक है, समझ रहे हो ना। लिखवाऊंगा तो सातों के सातों पॉइंट एक साथ, लेकिन तुम ध्यान रखो कि शुरू के चार पॉइंट किस चीज के हैं, शुरू के चार पॉइंट किस चीज के हैं, शुरू के चार पॉइंट बैकवर्ड के हैं, और बाकी के तीन पॉइंट किस चीज के हैं, बाकी के तीन पॉइंट स्टैग्नेंट के हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब आएगा ई पॉइंट। देखो अब यहां पर तुम्हें ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तुम्हें यहां पर अंग्रेजों के चालूपन का सिस्टम पता चलेगा कि कितने चालू थे। देखो तुम्हें एक चीज मालूम है, वो हमारे देश में आए थे पैसा कमाने। क्या कमाने आए थे? रेवेन्यू। रेवेन्यू को इकोनॉमिक्स में तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आया था रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, मतलब वो हमारे देश में क्या कमाने आए थे? पैसा कमाने आए थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, पैसा कमाने के लिए ना एक सिस्टम इस्तेमाल करा, एक सिस्टम उन्होंने हमारे देश में बनाया जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। दिस सिस्टम पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या होता था, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हमारे देशों को, हमारे देश के किसानों को लूटने के लिए, हमारे देश के किसानों पर अत्याचार करने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो हाथ था ना वो इसी सिस्टम का था, जमींदारी सिस्टम का सबसे बड़ा हाथ, ठीक है। इसके अंदर तीन लोग शामिल है, देखो इसके अंदर तीन लोग शामिल है, एक तो गवर्नमेंट, समझ में आई बात, एक है लैंड लॉर्ड और एक है लैंड टेलर। लैंड लॉर्ड की जगह ना मैंने उनका दूसरा नाम लिख दिया, लैंड ओनर। इस ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, मतलब सिस्टम तो बढ़िया नहीं है, पढ़ाने के हिसाब से कह रहा हूं, पढ़ाने के हिसाब से बढ़िया था। तीन लोग शामिल है, एक तो गवर्नमेंट, एक लैंड ओनर और एक लैंड टेलर, ठीक है। तो मैं मालूम है ना देश के अंदर रूल करने में उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो यहां पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारी सरकार की बात नहीं हो रही, विदेशी सरकार की बात हो रही है। लैंड ओनर वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की जमीन होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं जमींदार, और तुम समझ गए होंगे ये सिस्टम इन्हीं से बना था, जमींदार से, देखो नाम भी क्या है, जमींदारी सिस्टम। जिनकी जमीन, जो जमीनों के मालिक हैं, ध्यान से सुनो, मैं जमीन का मालिक और तुम उस जमीन पर काम करने वाले नौकर, बुरा मत मानना, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं, चलो मैं उल्टा कर देता हूं अगर तुम्हें फील होता है तो। तुम जमीन के मालिक, मतलब जमीन तुम्हारी है, जमीन किसकी है? जमीन तुम्हारी है, तुम जमीन के क्या हो? ओनर हो, लैंड ओनर हो, तुम लैंड ओनर हो, और मैं उस जमीन पर काम करने वाला बंदा हूं, मतलब मैं नौकर हूं, मैं लैंड टेलर हूं। बताओ उस समय नौकर कौन थे? किसान थे। जमीनों पर कृषि करना, जमीनों पर हल चलाना, जमीनों पर मेहनत करना, जमीनों पर उत्पादन करना, ये सारा काम कौन करते थे? ये सारा काम करते थे लैंड टेलर। देखो टेलर का मतलब होता है जोतना, हल जोतना, कहते नहीं है ये तो हल जोत रहा है, हल जोत रहा है मतलब बीज बो रहा है, सींच
सिंचाई कर रहा है, हल चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। तो देखो ये है वो लोग जो मेहनत करते थे, मतलब कि किसान, और ये वो लोग थे जिनकी जमीन थी, और ये वो लोग थे जिनका कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, तो तीन चीजें इसके अंदर शामिल थी जमींदारी सिस्टम में, एक तो मेहनत करने वाले लोग यानी कि फार्मर, एक वो जिनकी जमीनें थी, और एक वो गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट कहती थी, देखो बोर्ड पे देखना, गवर्नमेंट इनसे बात करती थी, गवर्नमेंट कहती थी किसानों का क्या हाल चल रहा है, तो लैंड ओनर कहते थे कि उनसे तुम्हें मतलब नहीं है, हम तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, हम तुम्हें क्या देंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, हम तुम्हें प्रॉपर पैसे दे देंगे और किसानों को तुम भूल जाओ। तो गवर्नमेंट कहती थी ठीक है बढ़िया है। ध्यान से सुनो, जब जमीनों के मालिक सरकार को शांत करने के लिए, जब जमीनों के मालिक सरकार को शांत करने के लिए पैसा दे देते हैं, तो सरकार क्यों उंगली करेगी, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार चली गई पीछे। अब देखो सरकार कहती थी ठीक है चलो, तुम हमें फिक्स्ड पैसे दे रहे हो, हमें प्रॉपर एक अमाउंट दे रहे हो, 10 लाख का, 1 लाख का, 10 करोड़ का, जितना भी अमाउंट है तुम दे रहे हो हमें, तुम कुछ भी करो इन लोगों के साथ, पूरी छूट है। बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमीनों के मालिकों को क्या दे दी, पूरी छूट दे दी, और वही होता रहा। देखो हुआ क्या, जितना भी ये आउटपुट बनाते थे, जितनी भी ये मेहनत करते थे, जितना भी उत्पादन करते थे, सारा कुछ बदले में सब ये ले लिया करते थे बेचारे। मेहनत किसकी, किसानों की, हल कौन जोत रहा है, किसान, धूप में, बारिश में, आंधी में और तूफान में, ऐसा नहीं लग रहा मैं डायलॉग बोल रहा हूं, है ना, मेहनत कौन कर रहा है इन सबके बीच, किसान, और फायदा किसको मिल रहा है, लैंड ओनर को। तो सरकार कुछ करेगी, ये बेचारे इसी आशा में बैठे रहे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, सरकार क्यों करेगी, सरकार को तो पैसा मिल गया, सरकार को शांत करने का क्या मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, अब ये जो करना चाहे करें, और ये करते थे। इस सिस्टम को बोला जाता था जमींदारी सिस्टम, और इसका दूसरा नाम होता था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब तुम सोच रहे होंगे मैं तो ये कह रहा था कि अंग्रेज पैसा कमाते थे, अंग्रेज पैसा कमाते थे, इसमें अंग्रेजों ने पैसे कैसे कमाए, देखो जरा, जब सारा उत्पादन लैंड ओनर, यहां पर ये लैंड ओनर मालूम है कौन है, यहां पर जो लैंड ओनर इस समय बने हुए हैं, सारा का सारा इसके इशारे पर चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर, और इनको क्या मिलता था, प्रॉपर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता था। तो जितना भी उत्पादन बाजार में बिकता था, और बिकने के बाद जो पैसा आता था, उस पैसे में ये दोनों मिल बांट कर खाते थे। तो बताओ ये एक बहुत ही घटिया सिस्टम था, सारी मेहनत थी फार्मर की, और फायदा कौन लूट रहे थे, अंग्रेज लोग। तो ध्यान रहे पेपर में 4 नंबर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम, सेपरेट टॉपिक, सेपरेट सेपरेट टॉपिक 4 मार्क्स में आ चुका है, सेपरेट टॉपिक, और जैसा मैं लिखवाऊंगा बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे एग्जैक्टली, मैं दावा कर सकता हूं भगवान भी 1 नंबर नहीं काट सकता तुम्हारा, समझ रहे हो ना कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं। तो अगर जिस तरह से मैंने समझाया, अगर वो समझ में आ गया, तो तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो ई पॉइंट में लिखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्या सिस्टम है ये, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो बताओ इसके अंदर कितने लोग शामिल हैं, इसके अंदर 3 लोग शामिल हैं, इसके अंदर सरकार, इसके अंदर जमीनों के मालिक, और इसके अंदर जमीनों को जोतने वाले, क्या बोलते हैं इनको, जमीनों को जोतने वाले, हल चलाने वाले, टिल, टिलर ही, टिलर, टिलर का मतलब यही होता है जोतने वाला व्यक्ति, जो हल चलाता है, जमीनों को जोतता है, ठीक है। तो लिखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के आगे, तो तुम समझ गए होंगे मैंने पहले ही बताया कि 4 नंबर का टॉपिक यहां से डायरेक्ट आता है, 4 नंबर का टॉपिक यहां से डायरेक्ट आता है, तो समझ गए होंगे बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो लिखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए, अभी मैं बीच बीच में भी छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा। लिखो ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट देयर इज अ यूनिक सिस्टम, यूनिक, यूनिक मतलब बहुत ही अनोखा, देयर इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू,
यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट इज जमींदारी सिस्टम। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है। देखो जमींदारी में ना आई के बाद एन भी आएगा, जमींदारी, ठीक है, दैट इज जमींदारी सिस्टम। यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट इज जमींदारी सिस्टम। तो कैसा सिस्टम था ये? ट्रायंगुलर सिस्टम था ना। ट्रायंगुलर क्यों? ट्रायंगुलर इसलिए क्योंकि तीन तरह के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो सिस्टम के बाद फुल स्टॉप मत लगाना, आगे लिखो। लिखो जमींदारी सिस्टम के बाद विच वॉज द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, विच वॉज द ट्रायंगुलर, लिख लोगे ना ट्रायंगुलर, भाई 12th स्टैंडर्ड में हो, लिखना चाहिए। विच वॉज द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, किस किस के बीच में था ये रिलेशनशिप? भाई गवर्नमेंट, लैंड ओनर, लैंड टेलर। विच वॉज द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, विच वॉज द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट कॉमा लैंड ओनर, अमंग द गवर्नमेंट कॉमा लैंड ओनर एंड लैंड ओनर के बाद कौन था? लैंड टेलर। बोर्ड पे लिखा हुआ है इधर, लैंड ओनर एंड लैंड टेलर। तो इसे ट्रायंगुलर इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसके अंदर तीन लोगों की कैटेगरी थी, गवर्नमेंट, जमीनों के मालिक और जमीनों को जोतने वाले। जोतने वाले बेसिकली क्या थे? किसान थे। क्या जमीनों के मालिक मेहनत करते थे? नहीं। मेहनत कौन करते थे? मेहनत करते थे किसान। और फायदा कौन उठाते थे? फायदा उठाते थे मालिक। मुद्दे की बात है, क्यों? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि जो लोग जमीनों को जोतते थे, मतलब कि लैंड टेलर, मतलब कि फार्मर, मतलब कि कल्टीवेटर, ठीक है, तो भाई ये लोग मेहनत करते थे, तो ये लैंड ओनर को देते क्यों थे? जोर जबरदस्ती थी क्या? क्यों देते थे? देखो जो लैंड ओनर होते थे ना, वो ये कहते थे कि जमीनों के मालिक हैं हम जमीनों के क्या है? हम जमीनों के मालिक हैं, और अगर मालिक है तो बदले में तुम्हें हमें रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर करोगे तो बदले में हमको किराया दे दो, हमको लगान दे दो। लगान शब्द सुना है? एक पिक्चर भी आई थी लगान, उसी से रिलेटेड है। लगान देना पड़ेगा। तो बेचारे किसान लोग, गरीब लोग हैं, इनके पास तो पैसे होते नहीं थे, तो ये कहते थे हम लगान तो नहीं दे सकते, लेकिन रेंट के बदले में हम जो आउटपुट बनाए करेंगे ना, वो आउटपुट दे देंगे। जो भी हम उत्पादन करेंगे वो उत्पादन दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो सही बात है, और ये उत्पादन देते 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 ये लोग सारा का सारा उत्पादन लेने लग गए, किसानों से सारा का सारा उत्पादन लूटने लगे, और तो और भी जुर्म करने लगे। अभी तुम्हें मैं ज्यादा बता नहीं सकता और क्या क्या करने लगे। इतना ज्यादा आतंक मच गया। बस बेचारे किसान लोग जैसे तैसे खेती करते थे और गुजारा करते थे, और कितने लोग तो भूखे मर जाते थे, आत्महत्या कर लिया करते थे उस समय भी। सोचो कितनी गंभीर बात थी, है ना। और तो और इनके साथ कितना गलत अत्याचार ये होता था, मैं शब्दों में नहीं बता सकता, ठीक है, ज्यादा गंभीर बात हो जाएगी। हमें इकोनॉमिक्स में ही बने रहना है, हमें साइकोलॉजी में नहीं घुसना है, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें लैंड रेवेन्यू सिस्टम की डेफिनेशन तो लिखवा दिया ना, अब बाकी की बातें नंबर वन में करेंगे। लिखो नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट में लिखो, हेडिंग बना देना नंबर वन पॉइंट में, जमींदार। पहले तो मैं ये लिखाऊंगा कि जमींदार कौन थे। तो मैंने पहले ही बता दिया कौन थे जमींदार। तुम ऐसे बोल सकते हो कि जमींदार गुंडे थे। जमींदार कौन थे? जमींदार गुंडे थे। भाई ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, गुंडे थे। लिख मत देना कि जमींदार गुंडे थे, ठीक है। एक तरीके से वो गुंडे का ही तो काम कर रहे थे। तो पहले लिखो जमींदार का क्या मतलब है। लिखो दे कंसिडर्ड, लिख लोगे कंसिडर्ड, दे कंसिडर्ड एज परमानेंट ओनर्स। ये भाई परमानेंट ओनर्स थे। ओनर मतलब मालिक।
दे कंसिडर्ड एज क्या माना जाता था इनको? इनको माना जाता था परमानेंट ओनर। दे कंसिडर्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। और बताओ जो मालिक है वो तो मालिक पाना दिखाएगा ना, दिखाते थे। दे कंसिडर्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, ऑफ द लैंड। तो क्या करते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितना भी कल्टीवेशन होता था, सारा लूट लिया करते थे। तो लिखो ओनर्स ऑफ द लैंड, लिखो विच मीन्स दैट द प्रॉफिट जनरेटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन, द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन वर। तो बताओ जितना भी प्रॉफिट बनेगा कल्टीवेशन से, कल्टीवेशन का मतलब समझते हो, फसल का उत्पादन करना, दिस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। भाई 12th क्लास में ये शब्द तुम्हें पता होना चाहिए, फसल का उत्पादन करना, दिस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। तो बताओ जितना भी कल्टीवेशन से प्रॉफिट बनेगा, जितना भी प्रॉफिट बनेगा, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होएगा, वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? जमींदार को। ये प्रॉफिट हमें किसको देना पड़ता था? ये प्रॉफिट हमें जमींदारों को देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था? क्योंकि वो जमीनों के क्या थे? वो जमीनों के परमानेंट ओनर थे, स्थाई मालिक थे, स्थाई मालिक, ठीक है, जिनको कोई नहीं बदल सकता था। स्थाई का मतलब जिनको कोई नहीं बदल सकता। तो ये सारा प्रॉफिट हमें जमींदारों को देना पड़ता था, देना पड़ता था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्रू। एक्रू का क्या मतलब होता है? एक्रू का मतलब है देना, देना है। जो अकाउंट्स में बच्चे पढ़ते हैं ना कॉमर्स वाले, उनमें एक एसेट आती है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब ये होता है कि जो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जमींदारों को हमें देना पड़ता ही पड़ता था हर तरीके से, ठीक है। तो देखो जितना भी प्रॉफिट हमको मिलेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको एक्रू होता था? वो सारा का सारा प्रॉफिट, बोलो, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको एक्रू था? वो सारा का सारा प्रॉफिट एक्रू था जमींदारों को। क्यों? क्योंकि वो मालिक थे और हम सर्वेंट्स एज यूजुअल, ठीक है। तो कायदे से प्रॉफिट पर किसका अधिकार होना चाहिए था? किसानों का। कायदे से प्रॉफिट पर किसका अधिकार होना चाहिए था? कल्टीवेटर्स का। कल्टीवेटर्स मतलब किसान, मतलब जो मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट इनको ना मिलकर किनको मिलता था? जमींदारों को। ये प्रॉफिट किनको मिलता था? जमींदारों को। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो लिखो विच मीन्स दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम कल्टीवेशन, प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम कल्टीवेशन वर एक्रू। तो वो प्रॉफिट किसको एक्रू होता था? क्या वो प्रॉफिट किसानों को मिलता था? बोर्ड पे देखो, क्या वो प्रॉफिट किसानों को मिलता था? नहीं। क्या वो प्रॉफिट जमींदारों को मिलता था? हाँ। तो लिखो फ्रॉम कल्टीवेशन वर एक्रू। एक्रू की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, एक्रू। एक्रू का मतलब अगर लिखना चाहो ना तो हिंदी में लिख लेना, मिलता था या देना था, ठीक है। एक्रू टू जमींदार्स वर एक्रू टू, एक्रू टू जमींदार्स। जबकि मिलना चाहिए था कल्टीवेटर्स को और मिलता था जमींदारों को। वर एक्रू टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ, लिख लोगे इंस्टेड? इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, मतलब कल्टीवेटर्स की बजाय जमींदारों को मिलता था। इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स वर एक्रू टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। तो बेचारे कल्टीवेटर्स को कुछ नहीं मिलता था, सारी मेहनत उनकी, खून पसीना उनका, हल वो चलाएं, जमीनों को वो जोते, है ना, हल चलाने में ऐसी तैसी हो जाती है शरीर की, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, नाउ आफ्टर फर्स्ट पॉइंट यू कैन पुट सेकंड पॉइंट, बट सेकंड पॉइंट में तुम्हें कोई हेडिंग नहीं देना, सेकंड पॉइंट में डायरेक्ट लिखना है। अब मैं तुम्हें एक मेन बात बता रहा हूं, तुम्हें मालूम है ना क्या होता था? देखो लैंड ओनर जो होते थे, अभी वैसे मैंने समझा दिया है, लैंड ओनर क्या करते थे? गवर्नमेंट को शांत करने के लिए उनको पैसा दे दिया करते थे। और सारे जुल्म किस पर करते थे? किसान
किसानों पर, बस। उत्पादन लूटना, उन पर अत्याचार करना, समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट को पैसा दे दिया और अभी अपनी मनमानी करेंगे, जो करना है कर लेंगे, ठीक है। तो लिखो नंबर टू में, दे वर टू पे अ, दे वर WERE, दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम, बोर्ड पे लिखा हुआ है फिक्स्ड सम, फिक्स्ड सम मतलब उन्हें एक निश्चित राशि, निश्चित राशि किसको देनी होती थी? गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए मिल गए, तो और क्या चाहिए? क्या और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शांत करने के लिए पैसा दे दो। और बताओ आज भी तो यही होता है, गवर्नमेंट को पैसा दे दो और गरीबों पर क्या करो? अत्याचार करो। क्या गवर्नमेंट कुछ बोलेगी? नहीं बोलेगी। भाई पिक्चरों में भी तुमने देखा होगा कि मैंने उस पुलिस वाले को खरीद लिया, मैंने उस वकील को खरीद लिया, मैंने उस जज साहब को खरीद लिया। तो पिक्चरों में भी वही होता है जो पहले होता था हमारे देश में। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट, है ना, टू द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप लगा दो गवर्नमेंट के बाद। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो, जमींदार्स वर एब्सोल्यूटली फ्री, लिख लोगे ना एब्सोल्यूटली, जमींदार्स वर एब्सोल्यूटली फ्री, तो वो पूरी तरह से क्या थे? जमींदार आजाद थे। एब्सोल्यूटली फ्री का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से आजाद थे। किस चीज के लिए? जो मनमानी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं किसानों पर। किसानों को लूटना है, लूट लो। किसानों पर अत्याचार करना है, अत्याचार करो। किसानों को काम पर से निकाल देना है, निकाल दो, सिंपल। तो जो वो करना चाहते थे, वो अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरह से क्या थे? फ्री थे, एब्सोल्युटली। और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलेगी? गवर्नमेंट को क्या मिल चुका है? पैसा। तो लिखो, जमींदार्स वर एब्सोल्युटली फ्री टू, एब्सोल्युटली फ्री टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छीनना, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हासिल करना। तो जो वो चाहें वो हासिल करेंगे किसानों से। जमींदार्स वर एब्सोल्यूटली फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच, टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टेलर्स ऑफ द लैंड, मतलब लैंड के जो टेलर्स थे, लैंड के जो जोतने वाले थे। और कौन थे जोतने वाले लैंड को? लैंड के जोतने वाले कौन कहलाते हैं? फार्मर कहलाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट एज एज मच फ्रॉम द टेलर्स ऑफ द लैंड, जो दिल में आएगा वो उनके साथ करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टेलर्स, टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टेलर्स, ठीक है, फ्रॉम द टेलर्स ऑफ द लैंड, फ्रॉम द टेलर्स ऑफ द लैंड। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो बताओ अगर किसानों के साथ ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, गुलामों वाली बातें, तो क्या ऐसे किसान क्या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेंगे? क्या ऐसे किसान क्या मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही हाल हुआ, और जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर कैसा होता चला गया? स्टैग्नेंट, ठंडा पड़ गया। आधा किसान हमारे देश का खेती बाड़ी से हटने लगा था, आधा किसान, बड़ी बात है, क्योंकि भाई उन्हें मिलता कुछ नहीं था, ऊपर से जुर्म हो रहे हैं उनके ऊपर, अत्याचार हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो करो ही मत खेती। तो वही हाल होता था, और हमारा एग्रीकल्चर क्या पड़ गया? ठंडा पड़ गया, मुर्दा पड़ गया, समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं रहा एग्रीकल्चर में, वो बात नहीं रही, ठीक है। लिखो नंबर थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट में लिखो, मतलब इतना ज्यादा उनका शोषण होने लगा, इतना ज्यादा उनका एक्सप्लोइटेशन होने लगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखो अगर कोई लड़की है, मान लो मैं लड़की का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना, अगर हम किसी लड़की के साथ गलत करते हैं, छेड़ते हैं किसी लड़की को, तो देखो हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल वही कंडीशन समझ लो तुम। तो भाई किसान लोग भी कितना बर्दाश्त करेंगे जब तुम किसी का शोषण करोगे, जब तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे, अत्याचार करोगे, दुरुपयोग करोगे, ठीक है।
तो ये जो एक्सप्लोइटेशन वहां पर हो रहा था ना, ये कैसा हो चुका था? अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, लेकिन अनलिमिटेड हो रहा था, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो लिखो नंबर थ्री में, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम के बाद कॉमा लगा देना, सिस्टम के बाद यू कैन पुट कॉमा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम द अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन, समझ में आ गया होगा। अनलिमिटेड का मतलब होता है अंधाधुंध, असीमित, और एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है किसी का गलत उपयोग करना, किसी के साथ अत्याचार करना, है ना। द अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द टेलर्स, किसके साथ होता था? किसानों के साथ, जो हल चलाते थे, जमीनों को जोतते थे, मेहनत करते थे। द अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द टेलर्स ऑफ द लैंड, द अनलिमिटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द टेलर्स ऑफ द लैंड, ऑफ द टेलर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। क्या करते थे वो उनसे सारा का सारा आउटपुट लूट लिया करते थे, ठीक है, टेलर्स ऑफ द लैंड। इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, दे रेज्ड द लैंड रेवेन्यू, दे रेज्ड द लैंड रेवेन्यू, एंड उन्होंने क्या करा? देखो ऐसे एकदम से नहीं हुआ, मैंने तुमसे बोला कि जमीनों पर काम करोगे ना तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो किसानों ने कहा कोई बात नहीं दे देंगे, थोड़ा सा दे देंगे, दे दिया थोड़ा सा, ये लोग खुश हो गए, मिल गया। फिर उनका लालच और बढ़ गया, फिर वो कहने लगे नहीं आधा दो, तो किसानों ने बोला कोई बात नहीं चलो आधा ले लो, काम तो करने दो हमें, तो काम करने दिया और आधा लेना शुरू कर दिया, आधा ले लिया। फिर इन लोगों का लालच और बढ़ गया, कहने लगे नहीं सारा दो, सारा दो, तो किसान कहने लगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे, अगर सारा उत्पादन तुम ही ले लोगे तो हम क्या खाएंगे। तो इनको सिर्फ इतना ही मिलता था जितना ये खा सके, याद है सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी पढ़ाया था मैंने, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था, उतना ही मिलता था जितना गुजर बसर हो सके, तो वही हालत इन्होंने कर दी उनके। तो ये बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये लैंड रेवेन्यू को रेस्ट करते गए करते गए, रेस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, तो इन्होंने इतनी ज्यादा लैंड रेवेन्यू कर दी कि किसान बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो लिखो दे रेस्ट द लैंड रेवेन्यू एंड इजेक्टेड, इजेक्टेड, इजेक्टेड का मतलब होता है बाहर निकाल देना। पता है जब ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे, तो कुछ किसान तो कहते थे कि चलो ठीक है बढ़ा लो, लेकिन कुछ किसान आलोचना करते थे, कुछ किसान मानते नहीं थे, तो ये उन किसानों को निकाल दिया करते थे, इजेक्ट कर दिया करते थे, हटो हम खेती नहीं करने देंगे तुम्हें, फिर तो वही हाल होता था। और जब खेती नहीं करेगा किसान तो क्या करेगा, भूखा मरेगा फिर, और वही हाल होता था, भूखा मरता था। दे रेज्ड द लैंड रेवेन्यू एंड इजेक्टेड द टेलर्स, इन्होंने टेलर्स को हटा भी दिया था, इजेक्ट का मतलब होता है काम पर से हटाना या बाहर निकाल देना, इजेक्टेड द टेलर्स इन केस, इन केस दे ऑब्जेक्टेड, इजेक्टेड द टेलर्स इन केस दे ऑब्जेक्टेड, मतलब अगर वो ऑब्जेक्शन उठाता था ना, इनके खिलाफ बोलता था, अगर वो इनके खिलाफ बोलेगा तो ये उसको बाहर भगा देंगे, जा जा मर यहां से, ठीक है, तो वही हाल होता था। तो लिखो नंबर फोर और लास्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लिखो लास्ट पॉइंट, तो बेचारे क्या करते, इन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ा फिर, ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर छोड़ा तो हमारा एग्रीकल्चर ठंडा पड़ गया। तो लिखो सो लैंडलेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है लैंडलेस, लैंडलेस का मतलब ऐसे किसान जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, सो लैंडलेस लेबरर, लेबरर लिख लोगे, सो लैंडलेस, लैंडलेस, सो लैंडलेस लेबरर
हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा एग्रीकल्चर में। इंटरेस्ट होगा भी कहां से, जब उन पर इतना अत्याचार होएगा बेचारों पर, उनको लूटा जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो बेचारों का इंटरेस्ट क्या करेगा। सो द लैंडलेस लेबरर्स हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, तो उनका एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरह से वो हमको लूटते चले गए, लूटते चले गए। अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हैं, सोचो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कितना बर्बाद करा, कितना पैसा बनाया। अभी तो मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ाया ही नहीं है, और अभी तो मैंने ये किताब नहीं पढ़ाई है, इस किताब में यही तो कहानी पूरी, पहले कैसा था अब कैसा, सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ। तो देखो अगला पॉइंट देखते हैं, मैंने बताया था स्टैगनेंट के 3 पॉइंट आएंगे, ई के बाद अगला पॉइंट है एफ। ये क्या करते थे किसान लोग, मैंने पहले भी बताया था भाई, एग्रीकल्चर हमारा जाना जाता है खेती बाड़ी, अपने गेहूं उगाओ, चावल उगाओ, दालें बनाओ, है ना, खाने पीने की चीजें बनाओ, ये सब बनाओ, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में कुछ और ही चलता था, अंग्रेज कहते थे नहीं, ये सब नहीं बनाना, ये सब मत बनाओ, इन सब का क्या करेंगे हम, तुम हमारे लिए इंडिगो बनाओ, इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, नील की खेती करो, नील की खेती, बताओ नील की खेती क्यों, क्योंकि नील बड़े पैमाने पर बिकता है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो की बहुत डिमांड थी उस समय, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिगो बहुत बड़े पैमाने पर बिकता था, और अंग्रेज लोग किसानों से कहते थे नहीं ये सब फालतू चीजें मत बनाओ, हमारे लिए इंडिगो बनाओ, ताकि हम उस इंडिगो को बेचे मार्केट में, और अगर मार्केट में बेचे तो पैसा कमाए, और पैसा कमाने तो हम यहां पर आए हैं। तो होने क्या लगा, हम खुद का कंजप्शन तो नहीं कर पाते थे, खुद के लिए चावल, खुद के लिए गेहूं, खुद के लिए सब्जियां, दाल वगैरह ये सब नहीं उगा पाते थे, इंडिगो करते रहते थे सारा टाइम। और इसीलिए तुम्हारी 12th क्लास की इंग्लिश में एक चैप्टर भी आएगा इंडिगो नाम का, महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन करा था, वहां के किसानों पर अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, और चैप्टर का नाम ही है ये इंडिगो। उसमें तुम्हें प्रॉपर पता चलेगा कि अंग्रेजों ने क्या हाल मचा के रख दिया था हमारे देश के किसानों का, वहां पर तुम प्रॉपर पढ़ना, और महात्मा गांधी ने किस तरह से वहां पर झंडे गाड़े थे जाकर, और उन किसानों को आजाद करा दिया था, आजाद मतलब वहां के इस सिस्टम से आजाद करा दिया था, इंडिगो वाले सिस्टम से। तो उसके बाद गांधी जी पॉपुलर हो गए थे पूरे देश और दुनिया के अंदर, जब उनके समय में ये वाला पॉइंट हुआ था, चंपारण में उन्होंने आंदोलन करा था। खैर ये बात मुझे भी नहीं बतानी है, अभी तो मुद्दे की बात है, इकोनॉमिक्स हम करने वाले हैं। तो अंग्रेज लोग कहते थे फालतू चीजें मत बनाओ, इंडिगो का उत्पादन करो, मतलब वो उस इंडिगो को मार्केट में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, क्यों, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जो चलने वाली क्रॉप थी ना मार्केट में वो इंडिगो थी, और जिसको मार्केट में बेचा जाए, खरीदा जाए धड़ल्ले से, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप। गेहूं को खरीदा और बेचा जाता था, नहीं इतना नहीं, चावल को खरीदा बेचा जाता था, नहीं इतना नहीं, लेकिन क्या इंडिगो को खरीदा और बेचा जाता था, हाँ बहुत बड़े पैमाने पर, बिकॉज दिस इज द कमर्शियल क्रॉप, ये कमर्शियल क्रॉप थी, इसकी सप्लाई और इसकी डिमांड बहुत ही जबरदस्त थी मार्केट में, तो जो चीज मार्केट में बिकेगी वो, ये कहते थे अंग्रेज लोग, वो बनाओ और फालतू की सिरदर्दी मत करो, और वही बेचारे किसानों को करना पड़ता था, क्या करे, मजबूर थे, गुलाम थे, क्या थे, गुलाम थे, ठीक है। तो एफ में लिखो कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया AGR, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपने खुद की फालतू चीजों का उत्पादन कर दो बंद, और हमारी कमर्शियल क्रॉप का उत्पादन कर दो शुरू, दिस इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है वो चीजें बनाना बंद करो जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है, और वो चीजें बनाना शुरू करो जिनकी मार्केट में डिमांड है, दिस इज द बिजनेस कॉन्सेप्ट। वो ये कहते थे एग्रीकल्चर करो लेकिन धंधे के लिए करो, और हमारे देश में एग्रीकल्चर होता था अपने खुद के लिए,
भरपेट खाना खा सके, जीवन चला सके, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा, कि पैसा आना चाहिए। तो लिखो कमर्शियलाइजेशन में, पहले तो मैं लिखाऊंगा कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो वर्ड पे, सिंपल भाषा में एक शब्द है सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए जो भी करेंगे खुद के लिए करेंगे, और एक है मार्केट, जो भी करेंगे मार्केट के लिए करेंगे, और एक शब्द है कमर्शियलाइजेशन। तो मैं तुम्हें मतलब बताने वाला हूं, बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से कमर्शियलाइजेशन का मतलब। कमर्शियलाइजेशन ये कहता है कि अब तुम जितना भी एग्रीकल्चर करोगे ना, खुद के लिए करना कर दो बंद, और मार्केट के लिए करना कर दो शुरू। जो भी तुम्हें प्रोडक्शन करना है, जो भी कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है, सारा एग्रीकल्चर मार्केट के लिए करना है, खुद के लिए तुम्हें धीरे धीरे क्या कर देना है, खत्म कर देना है। और उस समय वो सीधा सीधा ये कह रहे थे कि उत्पादन की कोई चीज मत बनाओ, बस मार्केट के लिए क्या बनाओ, बस मार्केट के लिए एक ही आइटम बनाओ, दिस इज कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो बनाओ, बताओ इतना नील क्या मुंह पे नील पोतेंगे क्या? खैर हमें क्या लेना, दिस इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लिखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, पहले मैं कमर्शियलाइजेशन का मतलब लिखवा रहा हूं। तो लिखो कमर्शियलाइजेशन मींस, कमर्शियलाइजेशन मींस कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। कल्टीवेशन करो लेकिन किसके लिए, मार्केट के लिए। क्या खुद के लिए? नहीं, खुद के लिए मत करो, मार्केट के लिए करो। कमर्शियलाइजेशन मींस कल्टीवेशन फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए करो, खुद के लिए तो सब करते हैं। कल्टीवेशन फॉर द मार्केट रादर देन, लिख लो, रादर देन, इसको रादर देन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, रादर देन, ठीक है, रादर देन कंजप्शन, मतलब कंजप्शन की बजाय मार्केट के लिए, है ना। देखो खुद के कंजप्शन की बजाय मार्केट के लिए बनाओ, मार्केट के लिए उत्पादन करो, मार्केट के लिए जियो और मार्केट के लिए मरो। कमर्शियलाइजेशन मींस कल्टीवेशन फॉर द मार्केट रादर देन कंजप्शन, है ना, कंजप्शन की बजाय मार्केट के लिए। तो देखो जो किसान आसानी से मान जाते थे वो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें मालूम ही है अंग्रेज दबाव डालने में तो माहिर है। तो रादर देन कंजप्शन, कंजप्शन के बाद फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप के बाद लिखो मतलब फार्मर्स जो आसानी से नहीं मानते थे ना, उनको फोर्स किया जाता था। तो लिखो फार्मर्स वर फोर्स्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू ग्रो कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसको मार्केट में बेचा जाएगा, जिसको मार्केट में खूब बेचा जाएगा, और जिसकी मार्केट में क्या होती थी, डिमांड होती थी। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप, मतलब उन पर यह दबाव डाला जाता था कि कमर्शियल क्रॉप बनाओ, कमर्शियल क्रॉप बनाओ। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू मैनेज द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, टू मैनेज द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, टू मैनेज द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, मतलब कमर्शियल क्रॉप को उगाओ, कमर्शियल क्रॉप को उगाओ ताकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की जरूरत है ना वो पूरी हो सके। ब्रिटिश इंडस्ट्री को जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा नील की, तो नील उगाओ, फालतू चीजें मत उगाओ, नील उगाओ। टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू मैनेज विद द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्री की जरूरत थी इंडिगो कमर्शियल क्रॉप। मैंने एक एग्जांपल दिया है इंडिगो, और भी कई कमर्शियल क्रॉप देखने को उस समय मिल सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर तो इंडिगो ही थी। तो वो कहते थे कि जितना हो सके इंडिगो की खेती करो ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री की जरूरत पूरी हो सके, ब्रिटिश इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये कमर्शियलाइजेशन उन्होंने एग्रीकल्चर में करना शुरू करा, तो एग्रीकल्चर को खूब कमर्शियलाइज कर दिया। अब हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट इसी के अंदर, जिसका नाम है इंडिगो।